दीदी। अरे मम्मी, गाना क्यों बंद कर दिया? टाइम देखा है तुमने? सुबह के 10 बज गए हैं। खुद की और अपने कमरे की हालत तो देखो तुम। अरे इतनी बड़ी हो गई हो पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। मम्मी यार, अब सुबह सुबह लेक्चर मत शुरू कर दो। लेक्चर तो मैं रोज देती हूँ पर तुम पर असर होता है? तुम्हारे बराबर की लड़कियां तो पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाती है और अपना पढ़ाई लिखाई भी पूरी करती है। मोहतरमा, उठेंगी आप? ना, नहाने जाएगी या यूं ही पूरे दिन पड़े रहने का इरादा है? यार मम्मी, तुम चुप ही नहीं रहती। हाँ, पूरा दिन इनका किक 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 चलता रहता है। अरे क्या हुआ बेटा, आज किस बात पर जंग छिड़ी है? ये मम्मी है ना, उन्हें कुछ ना कुछ कहते रहना है, पूरा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे मेरे भी। मैं सब सुन रही हूँ। हंसो हंसो और हंसो, ये आप ही के लाड़ प्यार का नतीजा है जो इसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं होती। अब भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द नहाने चले जाओ, अगला बम फूटने से पहले। क्या करें इस लड़की का? अरे मेरे पेपर्स। ये टॉवल रखने की जगह है क्या आदिति? मम्मी आप वापस शुरू मत हो जाओ और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। वाओ स्वीट मम्मा, आराम से आराम से। जाने क्या होगा इस लड़की का, हमेशा नाश्ता छोड़कर चली जाती है। मैं बनाती हूँ ये छोड़। अरे आपने भी आधा खाया, ये क्या बात हुई? क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? देखा नहीं आपने, पराठा आधा छोड़ के चली गई। रोज का है इसका। अरे सुबह देर से उठती है और फिर नाश्ता छोड़कर चली जाती है। अरे वो पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहती है, इसके लिए देखना पूरे चांसेस है क्लैट क्वालिफाई कर लेगी। वो सब ठीक है पर फिर भी ये क्या? अरे अभी बच्ची है, इतनी भी नहीं है कि ये हरकतें करे। शादी की उम्र हो रही है, ये सब करेगी तो जिम्मेदार कब बनेगी? हमारी बेटी समझदार है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब आपको लगता है, बस दोनों एक जैसे हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। हाँ अदिति, आज इतना लेट क्यों हो गया? मम्मा प्लीज वापस से शुरू मत कर दो, अभी तो आई हूं मैं। अरे मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए तो अरे ये आवाज, अरे ये क्या हो गया? सुनिए क्या हो रहा है? डॉक्टर क्या हुआ है पापा को, वो एकदम से गिर क्यों गए? उनको पहले से स्का अटैक आया, उनके लेफ्ट साइड के फेस से होके हाथ पैर तक गए। डॉक्टर पर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर थोड़ी केयर लेनी होगी, ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिसिन टाइम पे लेने होंगे और फिजियोथेरेपी भी करनी होगी। मैं कुछ गोलियां लिख के देता हूँ, आप बोलो। मम्मी चलो। अब सब कुछ कैसे मैनेज होगा? मम्मी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। अब पापा के पास जाओ, मैं फिजियोथेरेपी से बात करके आती हूँ। आदिति,
तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ पापा उठ गए। हाँ लेटे हुए हैं। आप एक काम करिए, आप उनके लिए लिक्विड ब्रेकफास्ट बना दीजिए, मैं पापा को बाहर लेकर जाती हूँ। ठीक है। आप रो क्यों रहे हो? तुम इतनी बड़ी कब बन गई अदिति? आप ही कहती थी ना कि ऐसे नहीं चलेगा, जिम्मेदार बनो। बन गई। चाहती तो थी पर पता नहीं था हालात ऐसे हो जाएंगे। कब सब ठीक हो जाएगा अदिति? माँ सब ठीक हो जाएगा, आप बस हिम्मत रखो, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या चल रहा है? कुछ कहना है? हाँ कहना तो है। तो कह डालिए, शर्माइए मत। क्यों पापा? अदिति वो हम चाहते हैं कि तुम अपने शादी के बारे में सोचो। What? ये अचानक से शादी का कैसे ख्याल आया? अचानक से नहीं, ये तो उसी वक्त से चल रहा था, पर बीच में ये सब कुछ हो गया। और तो मम्मा मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, और शादी होनी होगी तब हो जाएगी। अदिति हम कब कह रहे हैं कि तुरंत शादी कर लो, और रिश्ता भी कहाँ आ पड़ा है। अरे तुम सिर्फ अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो मैट्रिमोनियल ऐप पे। अरे पर मुझे अभी नहीं करनी शादी। अदिति प्लीज अपने पापा के लिए। ठीक है बना लूंगी, पर मेरी एक शर्त। कौन सी शर्त? शादी के बाद मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे। ये कैसी बात है अदिति, कोई नहीं मानेगा। अगर नहीं होता तो मैं भी तैयार नहीं। अदिति ये क्या बेवकूफी है? इसमें क्या बेवकूफी मम्मी? देखो मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, अगर मेरे पापा की तबीयत खराब है तो उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? अदिति तुम चाहे कितनी भी दलीलें दे दो पर अपने समाज में ये सब नहीं होता। अगर नहीं होता तो होना चाहिए, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर बच्चों को उनके लिए कुछ करना है तो लड़कियों को किसी और की परमिशन क्यों चाहिए? आई डोंट नीड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, और मैं तो वादा करती हूँ कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूंगी वैसे ही अपने इन-लॉज का भी ध्यान रखूंगी। पर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे, यहाँ अगर सब कुछ ठीक होता तो बात और थी, पर जब दिक्कत है तो आपकी जिम्मेदारी मेरी है। और मम्मी अगर मैं किसी की पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ तो उस इंसान को भी मेरी फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बनना पड़ेगा।
देखिए देखिए मैं बात करती हूँ उससे, वो समझ जाएगी। मैं करती हूँ। मेरी बात तो सुनो। मम्मा प्लीज अब वापस शुरू मत करो, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। मैं तो बस ये कह रही थी जो तुम्हारा दिल करे वही करना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अदिति अभी तक सोई नहीं तुम? अरे नहीं, ये देखो लड़का आईएएस ऑफिसर है। अच्छा हाँ। इसे तुम्हारी शर्त मंजूर है? कह तो रहा है पर क्या पता बाद में पलट जाए। अरे तो फिर एक बार बात करके तो देख लो, बिना बात के कैसे किसी को जज कर सकते हैं। कॉल करने के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ तो बात कर लो उससे। ठीक है जल्दी सो जाना, पर बात करना उसे बराबर। हाय हाय, सो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? या इट्स ग्रेट। Actually, I want to ask you something, that have you really accepted my condition or you're not that serious about it? I'm very much sure. In fact, because of that, I respect you a lot. And your family? मैंने उन्हें सब बता दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं। And मेरी family में भी सिर्फ parents ही, तो मैं आपकी situation समझ सकता हूँ। Thanks. Not required. Please. अच्छा एक बात और, मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था कि आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रही थी पर बीच में छोड़नी पड़ी, आप चाहें तो वो कंटिन्यू कर सकती हैं। करना तो चाहती हूँ। सो कब आऊँ पेरेंट्स को लेके आपकी फैमिली से मिलने? पेरेंट्स के साथ साथ हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। ओके मैं बताती हूँ। आई एम वेटिंग।